अस्सलाम वालेकुम। एग्जाम्पल नंबर 3 है चैप्टर नंबर 1 में। अगर एग्जाम्पल नंबर 3 को देखा जाए ना पास पेपर के हवाले से, तो बच्चे पास पेपर में काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुकी है। सही, क्योंकि आपको पता है कि जो चैप्टर नंबर 1 है ना, इसमें या तो थ्योरी आएगी या न्यूमेरिकल आएगा। अगर थ्योरी आती है तो फिर आपके इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल कभी भी नहीं आएगा। और ये आपके तकरीबन पेपरों से 2-3 महीने पहले ना डिसाइड करके बता देते कि आपके किस किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है। दो चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें से न्यूमेरिकल आना है, वो दो चैप्टर या तो चैप्टर नंबर 1 होगा, 3 होगा या 8 होगा। इन तीन चैप्टर में से दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से न्यूमेरिकल आना होता है। और तकरीबन पेपरों से 2-3 महीने पहले ना पेयरिंग आ जाती है, पेयरिंग में बता देते हैं। और जो चीज़ पेयरिंग में बताते हैं कि फलां चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है, उस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ही आता है, उस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ही आ रहा होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका न्यूमेरिकल आता है तो बच्चे ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। तो कहते हैं हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन सी भी कहते हैं, ये बाज़ ऑफ एमसीक्यू में भी आ जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड को हम क्या नाम दे रहे थे? और ये आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा भी हो कि एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी, कहते हैं इसके अंदर 40.92% कार्बन होती है, हाइड्रोजन की परसेंटेज ये वाली है, और ऑक्सीजन की परसेंटेज 54.5% है। आपने मालूम करना है एम्पिरिकल फार्मूला एस्कॉर्बिक एसिड का। इससे प्रीवियस लेक्चर में चले जाए, हमने एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह मालूम किया जाता है, उसके स्टेप पढ़े, वो सारे के सारे स्टेप हमने यहाँ पे लगाने हैं इसके ऊपर। फिर लास्ट में हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मालूम हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है। सही है, तो सबसे पहली बात, हमारे पास किसी भी न्यूमेरिकल में जो चीज़ आ रही होती है वो है गिवन डाटा। गिवन डाटा, अगर बच्चे गिवन डाटा की बात की जाए तो सबसे पहले जो चीज़ हमें प्रोवाइड की गई है वो है परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ कार्बन की अगर बात की जाए तो ये है हमारे पास 40.92%। इसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दी गई है वो है 4.58%, 4.58% ये पड़ी हुई है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दी गई है, ये हमारे पास है 54.5%। ले जी, हमें परसेंटेज दे दी गई है। अब कहते जी परसेंटेज दे के आपने नेक्स्ट क्या करना है, इंपेरिकल फार्मूला मालूम करना है। टू फाइंड में आ जाएगा इंपेरिकल फार्मूला, टू फाइंड में इंपेरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये वाली चीज हम मालूम करना चाहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इज सॉल्यूशन है। अगर प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा मैं रिवाइंड करवा दूं तो वहां पे हमने कुछ ये वाले स्टेप पढ़े थे। सबसे पहले आपने परसेंटेज लेनी है, इससे नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम करने हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है एटॉमिक रेशो मालूम करनी है। अगर एटॉमिक रेशो सिंपल आती है तो आपने उसको एम्पिरिकल फार्मूला दे देना है। अगर आपका वॉल नंबर नहीं आ रही तो आपने उसको किसी ऐसे सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है कि वो वॉल नंबर आ जाए, और उसके बाद आपने इसको एम्पिरिकल फार्मूला देना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर हैडिंग बाय हैडिंग जाऊँगा। सबसे पहले हमारे पास हैडिंग आएगी नंबर ऑफ ग्राम एटम की, नंबर ऑफ ग्राम एटम, और या फिर इसको हम मोल भी कहते हैं। पहले नंबर पर मैं ये वाली चीज़ मालूम करूंगा। इसको मालूम करने के लिए ज़रा गौर कीजिएगा, मेरे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम सबसे पहले मालूम करूंगा कार्बन के, फिर हाइड्रोजन के मालूम करूंगा, फिर ऑक्सीजन के मालूम करूंगा। सही, क्योंकि मेन हेडिंग मैंने ऊपर दे दी कि मैं यहाँ पर तीन चीज़ों के मालूम करने, कौन सी चीज़, नंबर ऑफ ग्राम एटम और मोल। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम करने के लिए ऊपर आ जाएगा मैस ऑफ, मैस ऑफ कार्बन ओवर, सॉरी परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्योंकि परसेंटेज दी हुई है ना कि मैस दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय इस इट्स एटॉमिक मैस। इसी तरह हमारे पास यहां पे आ जाएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मैस। भाई इसके बाद थर्ड नंबर पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास पे,
एटॉमिक मास। सही है, चलो जी हम यहाँ पे काम करने लगे। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन देखो 40.92, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। सिर्फ कार्बन का एटॉमिक मास क्या है हमारे पास 12 है। इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज देखोगे तो ये पड़ी 4.58% और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008। तो इसके बाद ऑक्सीजन की परसेंटेज 54.5 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। इसको डिवाइड करके क्या आंसर आता है जरा कैलकुलेट करें, 3.41। इसको डिवाइड करें तो क्या आता है हमारे पास, ये आ जाएगा 4.54 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 16 से 3.406। अगर 3.406 लिखना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है, अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी हमारे पास 3.41 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3.41। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चे वो है हमारे पास एटॉमिक रेशो मालूम करनी है। क्या चीज़ मालूम करनी है? एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्बन लिखूंगा, इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन लिखूंगा, इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन लिखूंगा। सही है, तो एटॉमिक रेशो के लिए मैं सबसे पहले सबके यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम एटम लिखने लगा हूँ। इसके हैं 3.41, इसके हैं 4.54 और इसके हैं जी 3.41। क्या करो जी, सबको डिवाइड कर देना होता है। आपने यहाँ से देखना सबसे सिंपलेस्ट या सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 3.41 ही है। सही है, दो वैल्यू है हमारे पास, एक दो 3.41 है, एक है 4.54 है। 3.41 स्मॉलर है, सो हम क्या करेंगे 3.41 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, 3.41 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, 3.41 से इसको भी डिवाइड कर देंगे। जब ये डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा 1.33 और ये भी आ जाएगा 1। अब देखो एटॉमिक रेशो जो है ना ये सिंपलेस्ट नहीं है, सही वो नंबर नहीं आ रही। तो अगर मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये सिंपलेस्ट हो जाएगी, ये भी वो नंबर में चला जाएगा। वो नंबर आपने ढूंढना होता है। सही है, मैं क्या करने लगा हूं, इसको भी 3 मल्टीप्लाई बाय 1.33 और यहां पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ जाएगा 3:4:3। सही, यानी कि हमारे पास जो इंपेरिकल फार्मूला होगा स्कॉर्बिक एसिड का वो है C3H4O3। तो इंपेरिकल फार्मूला ऑफ स्कॉर्बिक एसिड इज इक्वल टू C3H4O3। ये वाला एम्पिरिकल फार्मूला है हमारे पास स्कॉर्बिक एसिड का। तो ये था जी हम मालूम करना चाहते हैं सही एटॉमिक रेशो के बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। ये सारी की सारी आपने प्रोसीजर यहाँ पे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोल निकालने हैं, फिर एटॉमिक रेशो निकाली, एटॉमिक रेशो निकालने के बाद हमने इसको सिंपलेस्ट में चेंज किया यानी वो नंबर में चेंज किया है। वो नंबर चेंज करने के बाद हमारे पास लास्ट में आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।